हेलो एवरीबॉडी, करंट इवेंट क्लास में आप सबका स्वागत है जो कि 22 दिसंबर 2017 का करंट है। ये यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम तथा एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम के करंट को डेली अपडेट करती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको पढ़ने का तरीका मैं बता देती हूँ। पढ़ने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है जो कि डेली करंट पर बेस होता है। उसके चार आपके सामने ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आपको खुद आंसर देना होता है। आंसर देने के बाद हम आपको कुछ समय देते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको आपका आंसर फाइनली मिल जाता है। तो ये पढ़ने का एक छोटा सा तरीका है जो बहुत सिंपल और आसान है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रह शुरू किया है? तो ओमान, यमन, सऊदी अरब या सिंगापुर। तो आपके सामने चार चॉइस हैं, आप अपना आंसर चॉइस कीजिए। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए पहली बार एक पनडुब्बी लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले विमान P-8I को तैनात किया है। अभ्यास का 11वां संस्करण नसीम अल वह या सी ब्रिज ओमान के तट पर 17 दिसंबर को हुआ। वर्ष 1993 में यह द्विवार्षिक अभ्यास होता रहा है। तो आपके सामने मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसमें आंसर क्या है, ओमान। तो आपको पहली ही लाइन में आपका आंसर मिल चुका था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बात हो रही है शक्ति योजना के बारे में कि ये किससे संबंधित है। कोल लिंकेज से, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश से, या राहत एवं बचाव क्षेत्र से, या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में, रक्षा हर एग्ज़ाम में योजना से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन के आखिरकार शक्ति योजना है क्या। और जो स्टूडेंट IAS एंड PCS की तैयारी कर रहे हैं वे एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। देखते हैं, कोयला इंडिया लिमिटेड ने दीर्घवर्दी विद्युत खरीद समझौते वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कोल लिंकेज की नीलामी के बाद ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने का रास्ता साफ कर दिया है। स्कीम फॉर हॉर्सिंग एंड एल्को टिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया शक्ति के अंतर्गत करीब 27.18 मिलियन टन वार्षिक कोल लिंकेज 10 सफल बोली लगाने वालों के द्वारा बुक किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज का आवंटन करने के लिए पूर्व में कार्य कर रही प्रणाली को बदलकर शक्ति नीति की शुरुआत की है। तो देखिए दोस्तों, आप शक्ति के बारे में जान चुके हैं कि शक्ति आखिरकार है क्या। तो शक्ति की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम, मतलब कि स्कीम, मतलब कि इसके बारे में है क्या कि स्कीम फॉर हॉर्निसिंग एंड एल्कोकेटिंग कोयला। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, कोल लिंकेज। तो एक्सप्लेनेशन में आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो एक्सप्लेनेशन को ज़रा ध्यान पूर्वक सुने और अपने एक्सप्लेनेशन में से अपने आंसर को देख लें। आगे है, कौन सा देश उत्तर ट्रैफिक सूचना और प्रबंधन के लिए बेंगलुरु प्रोजेक्ट को अनुदान देगा? चीन, सिंगापुर, जापान या श्रीलंका। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बेंगलुरु में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या को ख़त्म करने के लिए जापान ने शहर में आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का ऐलान किया है। जापान एम्बेसी ने बताया कि बेंगलुरु में एक उत्तर ट्रैफिक सूचना और मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करने के लिए जापान 72 करोड़ का अनुदान दे रहा है और इस परियोजना से 3 साल बाद यहां के ट्रैफिक जाम में बहुत कमी आने की उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या है, जापान। ये करंट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि करंट पॉलिटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आप इसको ध्यान से सुने। तो IAS एंड PCS एंड SSC वाले स्टूडेंट के लिए तो वन वर्ड टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, पर जो PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लोकसभा ने अचल संपत्ति संशोधन विधेयक पारित किया है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए बात कर रहे हैं हम अचल संपत्ति के बारे में, तो देखते हैं क्या सही है। इसमें यह प्रावधान किया है कि केंद्र सरकार सुरक्षा उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में संपत्ति के मालिक को पुनः नोटिस जारी कर सकती है।
ताकि उसे अपनी बात रखने का मौका मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये अचल संपत्ति के बारे में है, तो ये पॉइंट भी सही है। आगे है कि इस बिल में पहले भी 11 संशोधन हो चुके हैं। यह 12 संशोधन सीमित समिति और विशेष उद्देश्य के लिहाज से किया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका मतलब इसमें जो दोनों वर्ड दिए हैं दोनों ही सही हैं, तो इसमें आंसर ए एंड बी दोनों होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर है इसका पहला और दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने FPI निवेश सीमा में वृद्धि की है? तो बात हो रही है IPF निवेश के बारे में। तो CB, IPEDA, IRADA या TRAI, देखते हैं। पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ठीक है। SEBI की जो है फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अगले महीने यानी कि जनवरी 2018 से 1.91 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? SEBI। और SEBI की मैं पीछे आपको फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के रघु प्रसाद और जावेद शेख को अगले साल किस शहर में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है? तो बेंगलुरु में, कोची में, पटना में या भुवनेश्वर में, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि भारत के रघु प्रसाद और जावेद शेख को अगले साल भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए एम्पायरों ने पैनल में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच कालिंगा स्टेडियम में होने वाले प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए सभी 5 महाद्वीपों के 19 देशों के 25 मैच अधिकारियों की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है? भुवनेश्वर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लेता अगर आप SSC या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लेता अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है। जैसे UPSI का भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी अपनी करंट अफेयर वीडियो से 2-3 क्वेश्चन तो फंसे ही हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 2 महीने हो चुके हैं जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधनों में कुशलता और क्षमता सृजन के लिए किस स्थान पर देश का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है? तो जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद या बड़ोदरा। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, देखते हैं। तो इसका आंसर है बड़ोदरा। देखिए एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, बस आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर ये किया गया है। बढ़ते हैं आगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल से वाराणसी दुबई कार्गो सुविधा शुरू की गई है, इसका उद्घाटन किस संस्था के चेयरमैन देवेंद्र कुमार सिंह ने किया है? तो IPEDA, SEBI, IRADA, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल से वाराणसी दुबई कार्गो सुविधा शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन IPEDA, देखिए IPEDA ने की है। IPEDA की फुल फॉर्म क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन देवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। कार्गो सुविधा शुरू होने से इलाहाबाद का अमरूद, बनारसी, लंगड़ा आम और पूर्वाचल की साग सब्जियां दुबई भेजने अब आसान हो गया है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको मिल चुका है IPEDA, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आंसर आपका ये है IPEDA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से 2 अक्टूबर 2017 को गठित कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो पॉलिटी है आपकी करंट उसमें ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक अटैम्प्ट करें। तो 100% आने की उम्मीद है, तो देखते हैं क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित आयोग की सीमा अवधि को बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। आयोग की सीमा अवधि 12 सप्ताह यानी 2 अप्रैल 2018 तक बढ़ा दी गई है। समय अवधि बढ़ाए जाने से आयोग विभिन्न हितधारकों से बातचीत करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर एक संपूर्ण रिपोर्ट सौंपने में सक्षम होगा। आयोग को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से 2 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीमती जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को अपना काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए बात हुए तो 340 के तहत, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि आर्टिकल कौन सा है, 340, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित एक अनुच्छेद है। तो आपको ये जो पहली लाइन है इसको याद रखना पड़ेगा, और जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक्सप्लेनेशन एक रामबाण है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक सुननी होगी। देखिए दोस्तों, आप क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप में हमको देखना होता है। जब हम क्वेश्चन को बस एक वन लाइन में देखते हैं ना, तो उसको करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में ही अपने आंसर को सोल्ड आउट करें और एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। जैसे कि इसमें ही आपको दे देगा, अगर ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आईएएस में किस तरीके से ये पुटअप कर लिया जाएगा, तो दोस्तों इस तरीके से पुटअप किया जाएगा कि पहला पॉइंट डाल देगा यही कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित आयोग की सीमा अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जिसकी सीमा अवधि क्या होगी, 12 सप्ताह। तो यहाँ पर क्या कर देगा, 12 की जगह 13 सप्ताह कर देगा, यानी 2 अप्रैल, देखिए हमें याद रखना है कि 12 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। सीमा अवधि बढ़ाए जाने से अब क्या होगा, इसमें तीसरा आपको डाल देगा तीसरा पॉइंट कि सीमा अवधि बढ़ाए जाने से आयोग विभिन्न हितधारकों से बातचीत करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर एक संपूर्ण रिपोर्ट सौंपने में सक्षम होगा। तो तीसरा पॉइंट ये आपके सामने डाल सकता है, फिर डालेगा कि आयोग को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, तो यहाँ 340 ना करके आपको 342 भी कर सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा। 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से 2 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि ऑप्शन ए भी सही है, ए सही है, बी सही है, या ए बी सी डी तीनों सही हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन ध्यान से ही सुननी होगी। तो इसमें मेन पॉइंट हमने पहले क्या देखा कि इसकी सीमा अवधि कितनी है, 12 सप्ताह, और जी ये कौन से आर्टिकल में आता है, 340 में आता है। तो दोस्तों ये इसमें दो मेन पॉइंट थे, तो इसमें अनुच्छेद 340 याद कर लीजिएगा, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित आयोग को संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अनुमोदन से 2 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 20 दिसंबर 2017 को मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा किस देश के बीच सहयोग संबंधित सहमति ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटी से था, तो इटली, क्यूबा या माल्टा या मालदीव, देखते हैं आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भारत और इटली के बीच सहयोग संबंधित सहमति ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है। सहमति ज्ञापन पर नई दिल्ली में 29 नवंबर 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहमति ज्ञापन के क्रियान्वयन का जायजा लेने और समझौते के तहत अन्य विवरणों के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इटली। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख चुके थे कि ये कार्य कहाँ हो रहा है, भारत तथा इटली के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक मैप के थ्रू देखते हैं कि इटली कहाँ है।